अजीत जोगी का जन्म 19 अप्रैल 1946 में हुआ। मौलाना आजाद कॉलेज भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, एनआईटी में लेक्चरर रहे, उसके बाद आईएएस और आईपीएस के लिए भी सिलेक्ट हुए। 1981 से 1985 तक अजीत जोगी इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे, फिर राजनीति में आए, कांग्रेस ज्वाइन की। 1986 से 1998 तक राज्यसभा के मेंबर रहे, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर बने, 2004 में फिर लोकसभा का चुनाव जीते। इनका एक किस्सा मशहूर है, 2014 के लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ चंदूलाल साहू बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे। उसी सीट पर 11 कैंडिडेट्स जिनका नाम चंदूलाल साहू था, उन्होंने नामांकन भरा। कहा जाता है ये सब अजीत जोगी के द्वारा प्रायोजित था। 2007 में इनके पुत्र को अरेस्ट कर लिया गया एनसीपी ट्रेजरर राम अवतार जग्गी के मर्डर केस में, लेकिन किसी तरह बच निकले। बहुत कंट्रोवर्सी हुई, कांग्रेस पर सीबीआई के दुरुपयोग करने का इल्जाम भी लगा। 2018 में अजीत जोगी ने नई पार्टी बनाई जनता कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। 2019 में अजीत जोगी के खिलाफ कई धाराओं पर एफआईआर दर्ज हुई है और उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उनको कार्डियक अरेस्ट आया है। उनको नारायणी हॉस्पिटल रायपुर में ले जाया गया। अजीत की हालत बहुत नाजुक है और वह वेंटिलेटर पर है। दुआ कीजिए सब कुशल मंगल हो।